लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद प्रदेश मंत्रिमंडल और कांग्रेस संगठन में फेरबदल किया जाएगा। जी हां, दिल्ली में अविनाश पांडे ने कहा कि सत्ता और संगठन में बदलाव और बेहतर समन्वय पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से एक बार फिर से चर्चा की जाएगी। पांडे ने साथ ही कहा कि पार्टी अवार्ड और रिवॉर्ड पर भी काम करेगी और इसके लिए जिन विधायकों और मंत्रियों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है उन्हें पदोन्नत किया जाएगा और इसके साथ ही वो मंत्री या विधायक जिनके पार्टी में भीतरघात करने की पुष्टि होती है तो उन पर भी निश्चित तौर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। वही थानागाजी मामले में राज्य सरकार के साथ नितिन राउत ने भी पार्टी नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपी है और इस पर भी संवेदनशीलता के साथ फैसला लिया जाएगा। निश्चित रूप से देखिए, अभी 4.5 साल हमको सरकार को सफलतापूर्वक और लोगों की अपेक्षा अनुसार चलाना है, संगठन को भी मजबूत करना है। संगठन में भी अभी लोकल बॉडीज़ के भी चुनाव हैं और चुनावी प्रक्रिया अभी ख़त्म नहीं हुई, और अगर हम संगठन में किसी प्रकार की कोताही बरतते हैं तो वो संगठन के लिए भी अच्छा नहीं है। और इसीलिए बहुत आवश्यक होगा कि संगठन में जो भी सशक्तिकरण करने की आवश्यकता होगी, इस चुनाव में जिन लोगों ने अच्छा कार्य किया है निश्चित रूप से उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा, उन्हें रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उन्हें सम्मानित किया जाएगा और हो सके तो उन लोगों को प्रमोट भी किया जाएगा, चाहे वो MLAs हों चाहे मिनिस्टर्स हों। जिन मिनिस्टर्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो अच्छा होगा निश्चित रूप से उसके बारे में भी उनको भी संज्ञान में रखा गया है, और चुनाव के बाद अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि किन विधानसभाओं में हम अपनी अपेक्षा अनुसार सफलता नहीं पा सके, वहाँ पर निश्चित रूप से उसकी जांच।